गाइड मिलता है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप शॉर्ट्स में आते हैं तो इस तरह की ड्रेस देंगे आप, इतना बढ़िया शॉर्ट्स में आ सकते हैं, नया ड्रेस मिल जाएगा आपके लिए। Mean independent because that is in Arabic language and the meaning is independent, the freedom of independent. And this mosque was built in 1961 and finished in 1978 for about 17 years to build this mosque. And this mosque is the largest mosque in Southeast Asia and number 3 in the world. तो भाई ये है चर्च, ये देखिए और काफी खूबसूरत बना हुआ भाई। यहाँ की सबसे विशेष बात ये है, ये है सामने चर्च, आप देख पा रहे हैं, और जैसे आप कैमरा घुमाएंगे सामने नेशनल मॉस्क, आप इंडोनेशिया ये देखिए, वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क आपके सामने। कैथेड्रल चर्च ओवर हियर, सो क्लोज विद दिस मॉस्क बिकॉज़ एक्चुअली वी हैव वन मैसेज, वी हैव अ बिग मैसेज, आवर प्रेसिडेंट, आवर गवर्नमेंट वाज बिल्ड दिस मॉस्क ऑफ कोर्स विद द चर्च बिकॉज़ वी वांट टू शो द वर्ल्ड दैट विद द इस्लाम एंड क्रिश्चियन एंड द अदर रिलीजन वी आर ऑल लिविंग टुगेदर। तो भाई यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना, ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, रात को होता है फाउंटेन शो यहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो विजिट कराना है इस्तिकबाल मॉस्क, काफी फेमस मस्जिद है भाई, काफी टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। भाई आ चुके हैं एंट्रेंस पे, और इसके एंट्रेंस की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आसपास आपको काफी खाने पीने की स्ट्रीट फूड टाइप दुकानें मिल जाएंगी। एंट्रेंस तो काफी अच्छा है भाई, ये देखिए फर्स्ट व्यू ऑफ द मॉस्क, इस तरह की दिखती है भाई मॉस्क। तो यहाँ भाई एक काउंटर बना रखा है, अपने जूते चप्पल यहाँ सबमिट करो, देखते हैं उसका कुछ चार्ज है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस टोकन लेके जाना है। तो ये देखिए इस तरह का काउंटर है, आप अपने जूते चप्पल यहाँ रखना पड़ेंगे, आप आ चुका, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस तरह का आपको टोकन मिलेगा। और भाई नंगे पैर में जान निकल जाएगी, जल्दी से कारपेट पे चढ़ जाओ, क्योंकि भाई फर्श इतना गर्म हो रहा है, एक मिनट भी अगर ढंग से खड़े होगा ना, एक मिनट का 10 सेकंड भी तो छाला हो जाएगा। फिर इस गेट से अगर आपको नमाज पढ़ने जाना है तो इस गेट से जाना है, और आपको विजिट करना है तो वो सामने वाले गेट से जाना पड़ेगा। तो अपन विजिट करना है तो चलते हैं सामने वाले गेट पे, ये अलग गेट है भाई एंट्रेंस का। तो भाई आ गए अंदर एंट्रेंस। हेलो भाई, मैडम साथ में ले जा रही है, मतलब मैं विजिट कराती हूँ आपको, और ये देखिए जा रही है साथ में। व्हाट इज योर नेम? स्मिता। स्मिता, देखिए रास्ता भाई चलना है, तो आई है भी यहाँ वेट करना पड़ेगा थोड़ा, नमाज का टाइम है भाई। ये देखिए पूरा एयर कंडीशन है, काफी सारे टूरिस्ट बैठे हैं यहाँ, देखिए गाइड मिलता है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप शॉर्ट्स में आते हैं तो इस तरह की ड्रेस देंगे आप, ये पहनना पड़ेगा, शॉर्ट में आ सकते हैं, नया ड्रेस मिल जाएगी आपके। और इस सिस्टम पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आपको, और फिर आप जा सकते हैं, देखिए। और ये है गाइड, और इस तरह की ड्रेस मिल जाएगी आपको भाई, ये पहन लो, वो भी जब है आप शॉर्ट्स में, अगर शॉर्ट्स में नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है इस तरह की ड्रेस की। चलिए विजिट करते हैं भाई, गाइड विजिट कराएगा, गाइड महोदय ने बोल दिया फॉलो मी। मीन इंडिपेंडेंट because that is in Arabic language and the meaning is independent, freedom of independent. And this mosque was built in 1961 and finished in 1978 for about 17 years to build this mosque. And this mosque is the largest mosque in Southeast Asia and number 3 in the world after Masjid al-Haram in Mecca, that is the biggest in the world. And the second one in Medina. Medina is a city near from Mecca, and there is also one big mosque in Medina, namely Nabawi Mosque, still in Saudi Arabia. And Istiqlal here is the third in the world for capacity because this mosque can accommodate for about 200,000 people when they come at the same time and praying together here, especially on Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is our big celebration, the end of Ramadan we are celebrating, and so many Muslim people come to this mosque because they want praying together here. And it was full of people from the first floor until 5 floors. We have 5 floors, and we use also the big terrace outside. We have the big terrace, I will show you later, for about 100,000 people inside and 100,000 people outside, totally 200,000 people. And in this mosque have many symbols or philosophical, like the dome, the big dome. Actually, there are 2 domes, this is a big one and a little one outside, we can see from outside, I will show you later. The diameter of this big dome is 45 meters. This is a symbol of the years of Indonesian Independence Day, 1945. And the second dome, the diameter of the second dome is 8 meters. This is a symbol of the month, August, because Indonesia was independent in 17 August 1945. This is a symbol of Indonesian Independence Day.
and this was Aparapalam, the big palam, the big pilar here after. This is also the symbol of the birthday of our Prophet Muhammad in 12th Rabiul Awal in Islamic calendar. 12th Rabiul Awal is calendar in Islam. And we have 5 floors. This mosque has 5 floors, and the number of 5 represent the 5 principles in Islam. As a Muslim, we have to first one saying Shahada. Shahada means declaration of faith. All Muslim, we should say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger of Allah. And the second one, we have to praying every day, 5 times daily. And the third one, we have to fasting in Ramadan, 1 month. And the fourth, we have to give some donation to the other poor people. We call this zakah. And the last one, as a Muslim, we have to go to Mecca at least one time in our life or Hajj. That's our 5 principles in Islam. Okay. And then, yeah, the red carpet here, this is the main area for pray. The right side for men and the left side for women. We are always separate when pray to keep each other contact. We're not allowed to touch each other, men and women, when praying. So that's why we have a line for separate, always separate. And this is the direction to Mecca. All Muslim will have to facing to Mecca always when pray. Mecca is a west from Indonesia. Thank you so much. Thank you. Please, maybe you want to take picture. तो भाई आपने सुना और काफी खूबसूरत है भाई। भाई ये पिलर पूरे एक्सटर्नल स्टील के हैं भाई, ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको प्योर एक्सटर्नल स्टील के हैं जैसा ही गाइड ने हमें बताया। तो भाई चलिए चलते हैं अगले जगह ले गए, चलिए चलते हैं। Cathedral, the Catholic Church over here, so close with this mosque, because actually we have one message, we have the big message. Our president, our government was built this mosque so close with the church because we want to show the world that between Islam and Christian and the other religion, we are always living together. This is a symbol of harmony in religion. This is a symbol of tolerance. So close, just 10 meters maybe. You can go to the church, just cross the street. And we are always open each other. We are never conflict. We have no gap. This is a symbol of peace each other. Interestingly, every year when Christmas time, we are always provide the parking area here for the worship who want to park their car here. Really, and in our, also in our big celebration in Adopit, they are also provide the parking area for us. We are always open each other. This is a symbol of peace each other. We want to show the world that we are always peace here. And actually we are finished in this spot. Thank you so much for coming. Nice to meet you. One square here for 1%. One square for one person. Yes. And this is direction to Mecca. Yes, Mecca. Always here. And we use the little carpet, the single carpet, the single mat for praying here. We bring it self. Because in Eid Mubarak, there is so many Muslim people who want praying together here. It was full of people here. And sometimes we use also the parking area over there for praying. When here too also. गाइड ने काफी अच्छे से समझाया और भाई फर्स्ट से इतना गर्म खड़ा भी नहीं हो एरिया, जैसा कि उन्होंने बताया ये थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मॉस्क है, दो है सऊदी अरेबिया में और थर्ड वन है ये इंडोनेशिया में। तो भाई ये दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी मॉस्क है। काफी पब्लिक बता रहे हैं जब सेलिब्रेशन होता है जैसे ईद वगैरह रहती है तो लोग 3 दिन पहले से यहाँ आते हैं नमाज, सिर्फ नमाज के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बिल्कुल क्रॉस द स्ट्रीट आप जैसे रोड पार करेंगे आप कैथोलिक चर्च आपको दिख रहा होगा, देखिए हमने कैथोलिक चर्च। और जब क्रिसमस होता है ना यहाँ पर, तो वहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज कम रहती है, पार्किंग की जगह स्पेस बराबर देता है, तो ये अपनी पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट चर्च के लिए देते हैं। सारी चर्च की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है आके भाई। तो ये एक सिंबल है पीस का, जैसा इन्होंने बताया ना भाई, इनके प्रेसिडेंट ने का कहना चाहते तो ये यहाँ से इन्होंने बताया कि दीवार ऊंची करके उसको चर्च यहाँ से दिख नहीं पाता, लेकिन स्पेशली ऑर्डर है भाई इनके प्रेसिडेंट के, यहाँ से जो ये कैथोलिक चर्च है ये विजिबल होना चाहिए। तो भाई ये सिंबल ऑफ यूनिटी का टाइप का है भाई। तो काफी खूबसूरत मस्जिद है भाई, और ये सामने जो है ना पूरा पार्किंग एरिया है और फाउंटेन वगैरह लगे। अमेजिंग लुक है सामने, देखिए आप ये लुक देखिए, आप बहुत कम देखने को मिलेगा। मस्जिद के दोनों डोम है और सामने कैथोलिक चर्च है। तो भाई मस्ट विजिट प्लेस है, आप अगर इंडोनेशिया आ रहे हैं और आप जकार्ता आ रहे हैं ना, इस प्लेस को मिस नहीं करें भाई। आप किसी भी रिलीजन के हो यहाँ आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत, आपको यहाँ फ्री गाइड मिलेगा और आपको कोई पे नहीं करना गाइड वगैरह के लिए।
तो दोस्तों ये सफर खत्म हुआ और आपने देखी मस्जिद, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस मस्जिद के बारे में जो भी आपका सोचना है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए मेरे पीछे मस्जिद आपको दिख पा रही होगी और ये थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है इन द वर्ल्ड। ये था भाई इसका सफर। A few moments later, पीछे देख सकते हैं आप एक कैथोलिक चर्च है, तो बने रहिए वीडियो में पूरा और चलिए चर्च को विजिट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो भाई ये है चर्च, ये देखिए और काफी खूबसूरत बना हुआ भाई। यहाँ की सबसे विशेष बात ये है सामने चर्च आप देख पा रहे हैं और जैसे आप कैमरा घुमाएंगे सामने नेशनल मॉस्क ऑफ इंडोनेशिया, ये देखिए वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क आपके सामने और ठीक इसके सामने ये कैथोलिक चर्च, ये देखिए। और ये भाई इसका पार्किंग एरिया, ये देखिए आप, ये देखिए भाई चलते हैं अंदर। तो मास्क मैंडेटरी मांग रहा है, मास्क तो है ही नहीं अपने पास, तो बताना पड़ेगा इनको तो मास्क नहीं भी, आई डोंट हैव अ मास्क, तो देखते हैं जाने देता ही नहीं जाने देता। वही मास्क मैंडेटरी है और मैं आता हूँ सामने, बोल रहे हैं मास्क मिल जाएगा आपको, तो मास्क लेके आता हूँ, वो भी चलते हैं अपन। वही मास्क ले लिया है 5000 रुपये में और भाई 5000 रुपये में काफ़ी अच्छा मास्क है, तो ले लिया है मास्क, चलिए अब चलते हैं अंदर। ये एंट्रेंस और ये आ चुके हैं अंदर। काफी अच्छा बना हुआ अंदर से और अब आपको एक एक करके मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। ये देखिए पहले तो आए हैं भाई, पहुंचे कोई सभा गृह है, ये काफी सारी चेयर पड़े हैं, आप पीछे लाल लाल देख पा रहे होंगे, इधर भी पड़ी है इस टाइप से। ये देखिए एक पॉप का स्टेचू बना हुआ है भाई, पोस्टर लगा हुआ है स्टेचू के, देखिए इधर सामने कुछ कलाकृतियां बनी हुई है जीजस की, ये देखिए तो मदर मेरी के स्टेचू के सामने आ चुके हैं और काफी लोग यहाँ प्रेयर्स कर रहे हैं, देखिए लेकिन बहुत खूबसूरत नजारा भाई। ये चर्च का एंट्रेंस गेट और आपको मास्क हर जगह मैंडेटरी लगाना पड़ेगा, चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए ये एंट्री गेट और ये इस तरफ है, ये चर्च का एंट्रेंस, तो आपको दिखाता हूँ शायद अंदर तक, क्लोज कर रखा है लेकिन चलते हैं देखते हैं। दोस्तों आप जब चर्च विजिट करने आएंगे ना, कैथोलिक चर्च तो बिल्कुल उसके बगल में ही है और इसका नाम वही नाम भी बड़ा अजीब गरीब है, लंपांगन बिनतेंग पार्क का नाम है भाई। और ये देखिए ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में लिखा है, ये देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ भाई, तो चल के देखते हैं भाई अंदर ऐसा है क्या पार्क में, कैसा क्या चीज देखने के लिए मिलता है। देखिए सामने पिल्लर बना रखा है और बड़ा सारा स्टेचू है इसके ऊपर, इस तरह का दिखता है भाई पार्क। तो भाई यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, मेरे पीछे देख पा रहे ना, ये है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, रात को होता है फाउंटेन शो यहाँ पे, यहाँ का बता रहे हैं, मैंने पता कराया कि बहुत फेमस है फाउंटेन शो यहाँ का, चारों तरफ इन्होंने ऐसा बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, देख पा रहे होंगे व्हाइट चारों तरफ सिटिंग अरेंजमेंट है भाई यहाँ बैठने का फाउंटेन शो देखने के लिए। पार्क में बड़ा शांत वातावरण है, बिल्कुल शांति पीसफुल माहौल है बिल्कुल, हो सकता है भाई शाम को पब्लिक आती हो यहाँ, क्योंकि यहाँ काफी सारी चेयर वगैरह और फाउंटेन वगैरह खूब है चारों तरफ, ये भी सामने ही फाउंटेन है। तो भाई यहाँ पे आपको बताया ना, पानी ऊपर विजिबल ही नहीं होगा, सब जगह सम बना रखे नीचे इन्होंने, नीचे से मोटर फेंकती पानी और चलता है भैया फाउंटेन वगैरह सब उससे ही चलते हैं। यहाँ जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर के टैप लगे हुए हैं, आप ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हो, आप पुश करिए एक धार आएगी, मुँह खोलिए पी लीजिए। तो भाई आप ये देख रहे हैं नीचे, अगर इस पर किसी को फेंक दिया जाए ना तो भाई उसमें इतने छेद हो जाएंगे, क्योंकि जो इसमें पत्थर लगे ना भाई नुकीले लगे, देखिए आपको पास से बताता हूँ, ये देखो, देखा दोस्तों छेदी लाल हो जाओ, एक नंबर का छेदी लाल, अगर किसी को फेंक दो इसके ऊपर बहुत दिनों तक रिपेयर ही नहीं हो भाई, चारों तरफ लगा रखे हैं, देखिए अब इधर भी लगे हैं, और आप इस पर नंगे पैर भी चल दिया ना तो आपको सही साइड जोर हो जाएंगे। आपने इस वीडियो में देखा सलातन दतांग पार्क कैथोलिक चर्च, भाई काफी अच्छा पार्क है, आप आके आधा एक घंटा गुजार सकते हो, रात में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छा सा फाउंटेन भी देखने के लिए मिलेगा, फिर क्रॉस होता है पानी शायद ऐसा कुछ है, मैं क्लिप डाल दूंगा अगर रात में आया तो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया तो आपको इसमें इसी वीडियो में क्लिप देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई इस वीडियो करते हैं खत्म और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए दोस्तों इंडोनेशिया की सीरीज में, तो चलिए मिलते हैं, बाय।